नाम है मेरा। शायरी की दुनिया में चंद लोग मुझे मोइन अहमद दहलवी के नाम से जानते हैं। इरफान भाई बैठे हैं, तरुण भाई बैठे हैं, अफसर भाई बैठे हैं, बड़े भाई मेरे बैठे हैं, सारे आप लोगों की दुआ चाहिए। तो चंद अशआर और एक आध मुकम्मल गजल। जैसे शेर जो दानिश ने पढ़ा, वो शेर माशाल्लाह काफी लोगों को जैसे पसंद आया, वो शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। अर्ज किया है कि मेरे आगे मेरे पीछे हसीनाएं, तुम्हें शक के मेरे आगे मेरे पीछे हसीनाएं, तुम्हें शक है, अजी सुन लो कि मैं पेशे से शायर हूं, मुझे हक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर सुनेंगे कि यहाँ पे जितनी खातिन ऐसे बैठी है, मान लीजिए आपके लिए नहीं। शेर है कि अब उलझन सी होती है खुली जुल्फों से मुझको, अब उलझन सी होती है खुली जुल्फों से भी मुझको, वजह ये है कि उन उलझी लटों में दिल उलझा है। बहुत शुक्रिया नवाजी। और शेर सुने के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जमाने में मेरे जैसे, जिसे सब कुछ मिला फिर भी न जाने क्यों तरसता। के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जमाने में मेरे जैसे, जिसे सब कुछ मिला फिर भी न जाने क्यों तरसता है, एक अरसा गुजारा है तो अब हासिल हुआ है कुछ, मुझे पत्थर मिला है एक जो सीने में धड़कता है। बहुत शुक्रिया नवाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजी। और एक शेर सुने के दो मिसरे गाए जनाब। मेरे हुजरे में बैठे हैं मगर नाराज बैठे हैं, मेरे हुजरे में बैठे हैं मगर नाराज बैठे हैं, वो मुझसे दूर जाएंगे ये कह के पास बैठे। बहुत शुक्रिया। अरे नवाज नवाज कि मेरे हुजरे में बैठे हैं मगर नाराज बैठे हैं, वो मुझसे दूर जाएंगे ये कह के पास बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। और शेर देखेंगे, उसे मैं किस तरह कह दूं कि मुझको इश्क है तुमसे, कि जबकि जानता हूं मैं कि वो महबूब किसका है। के शुक्रिया। ये उसे मैं किस तरह कह दूं कि मुझको इश्क है तुमसे, कि जबकि जानता हूं मैं कि वो महबूब किसका है, और सभी कहते हैं उसको भूलना ही है सही, लेकिन मैं उसको भूल जाऊं इतना दिल मजबूत किसका है। बहुत शुक्रिया नवाजी, नवाजी साहब। शेर सुनेंगे कि मोहब्बत का जो मीठा दर्द है सहना पड़ेगा मुझे, मजबूर इस हद तक अजी रहना पड़ेगा कि मोहब्बत का जो मीठा दर्द है सहना पड़ेगा क्या, मुझे मजबूर इस हद तक अजी रहना पड़ेगा क्या, मेरे महबूब मेरा हाल दिल आंखों से दिखता है, मैं तुमसे इश्क करता हूं मुझे कहना पड़ेगा क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजी, नवाजी नवाजी, बहुत शुक्रिया नवाजी। और शेर है कि बहुत प्यासी है मेरी रूह तेरा इश्क पीना है, मेरे दिल में रहो जैसे अंगूठी में नगीना है, कि बहुत प्यासी है मेरी रूह तेरा इश्क पीना है, मेरे दिल में रहो जैसे अंगूठी में नगीना है, तुम्हें अपना बना लूं मैं यही है इल्तिजा, क्योंकि मुझे मरने से पहले एक दफा जी भर के जीना है। बहुत शुक्रिया। देखिए शेर है कि परिंदे बहुत चहचहाते हैं अक्सर, वो शाखों पे जब लौट आते हैं अक्सर, कि परिंदे बहुत चहचहाते हैं अक्सर, वो शाखों पे जब लौट आते हैं अक्सर, और जिन्हें चाहतों से मैं रखता हूं दिल में वही मेरे दिल को दुखाते हैं अक्सर। बहुत शुक्रिया। अब एक गजल देखें आप, ये छोटी भैर की गजल है, जी चाहता है। यहाँ पे कई नए चेहरे हैं, कई पुराने चेहरे हैं। अर्ज किया है कि बहुत कुछ बताने को जी चाहता है, सभी कुछ बयां हो ये जी चाहता है, कि बहुत कुछ बताने को जी चाहता है, सभी कुछ बयां हो ये जी चाहता है, ये जी चाहता है उन्हें मैं भुला दूं मगर उनको पाने को जी चाहता है। और जो किस्से हैं दिल में मेरे उल्फतों के,
वो किससे सुनाने को जी चाहता है, मैं उन पे फिदा इस कदर हूँ कि अब तो मोहब्बत जताने को जी चाहता है। और ये शेर सुनेंगे, ये रिश्ता हमारा है ऐसा अनोखा, ये रिश्ता निभाने को जी चाहता है, और मुझे इस अदा से मनाया उन्होंने कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश नवाजिश। और शेर सुने के, जो शामो सहर है जहन में उसे अब हकीकत बनाने को जी चाहता है, और ये सुन के कि उनको निकालूंगा दिल से, मेरा दिल जलाने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश। और शेर है कि भटकता रहा गफलतों में मैं इतना कि अब ठहर जाने को जी चाहता है, मैं मजबूर था अपने माजी से लेकिन मेरा दिल लगाने को जी चाहता है। कि सनम का जो घर है ठिकाना है ऐसा कि जाके ना आने को जी चाहता है, कि सनम का जो घर है ठिकाना है ऐसा कि जाके ना आने को जी चाहता है, और बहुत कुछ बताया है मुइन गजल में मगर कुछ छुपाने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया नवाजी। कि सनम का जो घर है ठिकाना है ऐसा कि जाके ना आने को जी चाहता है, और बहुत कुछ बताया है मोइन गजल में मगर कुछ छुपाने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया है। एक और बहुत शुक्रिया। एक एक नई गजल है, थोड़ा मतलब कही पहले थी मगर पहली बार पढ़ने का मौका मिला है, कुछ गलती हो तो माफ करिए, पहली बार मैं गजल को पूछता हूँ। अर्ज किया है कि तुम्हें चाहत किसी से है तो फिर इजहार कर दे, तुम्हें चाहत किसी से है तो फिर इजहार कर बैठो, अगरचे इश्क करना है तो दो पल पास तो। कि तुम्हें चाहत किसी से है तो फिर इजहार कर बैठो, अगरचे इश्क करना है तो दो पल पास तो बैठो, यहाँ टकराना लाजिम है, ये दो तरफा मोहब्बत है, जो इससे बात बन जाए तो फिर टकरार कर बैठो। शुक्रिया। और शेर है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तुम्हें एहसास है इसका, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो फिर इकरार कर बैठो, ये उल्फत ऐसी नेमत है जो सबको मिल नहीं पाती, अगर तुम पर मेहरबान हो तो इस्तकबाल कर बैठो। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि दो आंखें तुम भी रखते हो दो आंखें हम भी रखते हैं, अलग रहकर मजा कैसा निगाहें चार कर बैठो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कि दो आंखें तुम भी रखते हो दो आंखें हम भी रखते हैं, अलग रहकर मजा कैसा निगाहें चार कर बैठो, अगर तुम हुस्न रखते हो तो मैं भी इश्क लाया हूँ, तमाशा ए मोहब्बत ये सरे बाजार कर बैठो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कि दो आंखें तुम भी रखते हो दो आंखें हम भी रखते हैं, अलग रहकर मजा कैसा निगाहें चार कर बैठो, अगर तुम हुस्न रखते हो तो मैं भी इश्क लाया हूँ, तमाशा ए मोहब्बत ये सरे बाजार कर बैठो। शुक्रिया। और ये शेर देखें आपको मेरे दिल के बड़ा करीब है, कि हर एक मुरझाए दिल को कर दिया ताजा मोहब्बत, हर एक मुरझाए दिल को कर दिया ताजा मोहब्बत ने, कि हमसे क्या गिला है हम पे भी बौछार कर बैठो। और इस शेर पे कोई चाहे तो अमल कर ले, कि हर एक मुरझाए दिल को कर दिया ताजा मोहब्बत ने, कि हमसे क्या गिला है हम पे भी बौछार कर बैठो, लिए फिरते हैं देखो हाथ में खंजर मोहब्बत का, तुम्हें महबूब मिल जाएगा हम पे वार कर बैठो। और शेर देखिए, इसमें एक लफ्ज है रकीब, मैं कैसे देख लूं तुमको गले मिलते रफीकों से, मैं कैसे देख लूं तुमको गले मिलते रकीबों से, मेहरबानी करो हम पर उन्हें इनकार कर बैठो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कि मैं कैसे देख लूं तुमको गले मिलते रकीबों से, मेहरबानी करो हम पर उन्हें इनकार कर बैठो, कि ये बातें मेरे सीने में खंजर सी उतरती हैं, मेरे महबूब छोड़ो जुल्म अब ये माफ कर बैठो। बहुत शुक्रिया। और ये इस गजल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, आपका नाम इस्तेमाल के तरह अर्ज किया है कि बहुत तनहा बहुत मायूस हमने दिन गुजारे,
बहुत तनहा बहुत मायूस हमने दिन गुजारे हैं, किसी ने भी नहीं सोचा चलो एक बार कर बोल। शुक्रिया। ये बहुत तनहा बहुत मायूस हमने दिन गुजारे हैं, किसी ने भी नहीं सोचा चलो एक बार कर बैठो, तरस खा के मेरी तन्हाई बोली सुन जरा मुइन। ये बहुत तनहा बहुत मायूस हमने दिन गुजारे हैं, किसी ने भी नहीं सोचा चलो एक बार कर बैठो, तरस खा के मेरी तन्हाई बोली सुन जरा मुइन, हमारा साथ छोड़ो तुम चलो अब प्यार कर बैठो। नवाज नवाज, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप सबसे इजाजत, बहुत शुक्रिया। नवाज इशादा।